सड़कों को लेके ये था एक मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो जजमेंट एक पेंडिंग पड़ी थी उसमें ऑर्डर दिया उन्होंने। तो ऑर्डर में उन्होंने जो पिछले साल की कंडीशन थी वही रिट्रेट की है, उसमें सिर्फ जो कुछ डेट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। तो उसमें आज कल तक इनकी एप्लीकेशन देनी थी, उसके बाद ये 3 दिन हमें स्क्रूटनी के लिए दिए हैं। 29th को इनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकलेगा और अभी तक तो वही 20% जो पुराने लसेंस थे 2016 के, उसका 20% है हाई कोर्ट का। एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, वो हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 50% अलाउ किया है दिल्ली में, बट उसकी भी कैप है उन्होंने लगाई है कि 500 मैक्सिमम लाइसेंसेज वो इशू करेंगे विद इन सिटी ऑफ दिल्ली और स्टेट ऑफ जो NCR में स्टेट्स पड़ती हैं, गुड़गांव, हरियाणा और UP, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लाइसेंसेज थे उसका 50% देंगे जो 2016 में दिए थे, बट वो एप्लीकेबल स्टेट ऑफ पंजाब पे है कि नहीं है उसका एग्जामिन करा रहे हैं लीगली। अगर वो होती है तो उस हिसाब से दे देंगे, नहीं तो जो मान जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की है ऑर्डर उसके मुताबिक 20% ही थी। सर अगर आपके अलावा भी अगर कोई पटाखा मार्केट अलग से दुकानें लगाती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा कुछ? बिल्कुल लिया जाएगा जी, क्योंकि अभी तक जो लास्ट 37 लोकेशंस के ऊपर 37 जो लोकेशंस शॉप्स की गई थी और उसका एक साइज भी प्रिस्क्राइब है जो पिछली बार उनको दिया गया था वही रहेगा बाकी सारा। सर लग रहा है कि मार्केट वाले मतलब कि कह रहे हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया और उनका जो स्टॉक काफी सालों से हम पहले से परचेज कर लेते हैं उनको काफी लॉस होगा इस सारे मसले। देखिए उसमें क्योंकि इसमें हाई कोर्ट एक जुडिशियल वर्डिक्ट आ गया किसी चीज़ के ऊपर, तो उसमें उनको भी उसको मानना है और हमें भी इन्फोर्स करना है, तो उस पर तो उसमें हेल्प आउट नहीं कर सकते। एक बार अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उधर से ऑर्डर आया है और उन्होंने एक उसमें डेट फिक्स कर दी है तो उसके बियॉन्ड तो हम नहीं जा सकते। सर दूसरा एक पटाखा चलाने के लिए भी कुछ टाइम लिमिट दी गए हैं कुछ लोगों को कि इतने बजे से इतने बजे तक ही पटाखे चलेंगे इस बार हाँ, दिवाली के ऊपर क्या वो तो उसमें इन्होंने मेरे ख्याल 6 to 9 है शायद, जो मेरे को अभी शायद क्लियर ना हो, लेकिन ऑफ हैंड 6 से 9 है, 2 घंटे के लिए दो 3 घंटे के लिए है शायद, छः छः बजे से 9 बजे तक है। अगर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पटाखा चलाते हुए मिलता है पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल जी, वो तो जब मान लो अदालत के हुक्मों की उल्लंघना होगी तो उस पर एक्शन तो होगा ही, एनफोर्स तो अब एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस है तो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं को करना है। तो अगर कोई किसी किस तरह तरह की धाराएं लगाई गई हैं अगर मतलब कुछ उल्लंघना होती है इन सब वो तो जैसी जैसी कोई करेगा उस हिसाब से लीगली एग्जामिन करा लेंगे जी कि क्या करता है, वो नॉइस पोल्यूशन की है, बियॉन्ड द टाइम है, या स्टोरेज है, या पटाखा जो किस तरह के, क्योंकि उसमें कई उन्होंने दिए हैं, जिस तरह की उल्लंघना होगी उस तरह से। उधर उधर गल हुई है अशोक थापा लुधियाना फार्मर एसोसिएशन एज ए चेयरमैन। बड़े अफसोस की गल है कि हिंदुस्तान के जो सदियों से त्यौहार चलता आ रहा है, बड़ा दुख की बात है, इस त्यौहारों को बेनज़र किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में सेंट्रल सरकार से 50% जो टेम्परेरी लाइसेंस है 50% कर दिए, पर पंजाब में 20% है। पटियाला में खुलेआम पटाखा बिक रहा है, फरीदकोट में 50% और कपूरथला में भी 50%, जलंधर में भी चल रहा है, पर लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर और CP की वजह से ये 20% चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि पटाखा यूनियन जो है भूख हड़ताल भी रखेगी और मरण व्रत भी रखेगी। बड़े अफसोस की बात है कि सदियों से पटाखा चलता है दिवाली में और इसको इग्नोर किया जा रहा है। अब हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना लगाकर बैठे और बैठे रहेंगे जब तक। दूसरी बात जो टैक्स है, पहले भी हमें 13 दुकानें मिली थी, 56 दुकानों का
टैक्स दिया गया था, पर वो किस बिना से टैक्स लेते हैं? 43 दुकानों का टैक्स हमारे पास जमा है डिपार्टमेंट के पास, वो वापस नहीं किया हो गया, क्यों नहीं किया? 20 लाख बनता है हमारा। लेकिन सरकार कह रही है कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन फैक्ट्रियां बंद करा दें, जो टैक्स गाड़ियां बंद करा दें, जो गाड़ियां चलती हैं उसके पोल्यूशन नहीं हो रहा, सिगरेट बंद कर, उसमें उनको बैट मिलता है, GST मिलता है, इसलिए बंद नहीं करा रहे। ये तो एक दिन का पोल्यूशन है। फैक्ट्री एक फैक्ट्रियाँ कितनी बनती है, मैं तो कहले मैले मिठाइयाँ बंद कराएं, 20% कर दें, वो भी शुगर होती है, शुगर से लोग बीमार होते हैं। जो गाड़ियाँ चलती हैं डीजल में, डीजल का पोल्यूशन होता है, वो भी बंद करा दें, मोटरसाइकिल बंद करा दें, सभी चीज़ें बंद करा दें। सरकारी ऑफिसों में जो लगता है जो गाड़ियाँ चलती हैं, AC चलते हैं, वो भी 20% कर दें। जो सेंटर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 50% कर दिया, तो पंजाब सरकार को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये सदियों से पटाखा चलता आ रहा है, इसको क्यों बंद किया जा रहा है? ये खुशी का त्यौहार है, दशहरा, गुरुपर्व, दिवाली, क्रिसमस और 31 को पटाखा चलना चाहिए, पर चलने का टाइम उन्होंने 8-10 रख दिया, पर बेचने का टाइम 20% कर दिया। ये एक बड़ा अन्याय है पंजाब के साथ। मैं पंजाब सरकार को अपील करता हूँ, इसकी तरफ ध्यान दें, और बिना टैक्स, एक हफ्ते का टैक्स 8,000 मांग रहे हैं, वो खोखों में बैठे हैं, झोपड़ियों में, ये पटाखा बेचने के लिए, खुशी के लिए, ये लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, इनको कोई प्रॉफिट नहीं है, इनको ये तो खुशियों के लिए, दिवाली का खुशी का त्यौहार, गुरुपुर में पटाखे चलते हैं, क्रिसमस में चलते हैं, इनको अनदेखा किया जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान दे पंजाब सरकार, सेंटर सरकार ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। नहीं चलेगी।